गाइज, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पोहा पकौड़ा, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। क्विट स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। तो ये मैं मार्केट से ले आई थी पोहा पकौड़ा, जो मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। इसका प्रीमिस है तो इसको हम ट्राई करेंगे। तो इसमें इस टाइप से आप पूरा डिटेल दे रखिए कि हमको कैसे बनाना है, पूरा डायरेक्शन इसमें लिखा हुआ है, स्टेप बाई स्टेप इसमें फॉलो करना है। 200 ग्राम का पैकेट है और 350 ml पानी इसमें ऐड करना है, मतलब 1.25 ग्लास हमें पानी ऐड करना है। और इस प्रीमिस को हम छोटी सी कढ़ाई लिए उसमें हम डाल देंगे। तो ये 200 ग्राम का पैकेट है, इसमें मैं पूरा डाल दूंगी। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साथ पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे स्पून की हेल्प से। तो इस टाइप से पेस्ट को हम तैयार करेंगे। फिर इसके बाद बचा हुआ जो पानी है 0.25, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो हमें एक साथ पानी इसमें ऐड नहीं करना है, डिवाइड इसमें पानी ऐड करना है, जिससे हमारा जो पेस्ट पतला ना हो जाए। तो इस टाइप से हमारा रेडी हो गया है। तो इसको हम 15-20 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा तैयार हो गया है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है। तो हाथ से हमने चेक कर लिया है, तो हमारा जो बैटर तैयार हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे हाथ में ऑयल लिया है या घी, आप कुछ भी ले सकते हो। हाथ में ऐसे लगा के इसकी छोटी छोटी बॉल हम बना देंगे। तो इस टाइप से मैंने बॉल बना दी है। तो इस टाइप से वन बाई वन हम बॉल को तैयार कर लेंगे। आप अपनी शेप में, किसी भी शेप में आप बॉल बना सकते हो। तो इस टाइप से मैंने सभी बॉल तैयार कर ली है। तो 200 ग्राम पैकेट में इतनी सारी बॉल हमारी तैयार हो गई हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म करने को रख दिया है। तो वन बाई वन हम सब बॉल को इसमें डाल देंगे। तो ऑयल गर्म होने के बाद ही हमें इसमें डालना है। फिर उसके बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पे इसको हमें सेकना है। तो एक तरफ सेक गया है तो इसको हम पलट देंगे। तो ऐसे ही हम सबको पलट देंगे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, जिससे ये अंदर से कच्चे ना रहें। तो इस टाइप से आप देख सकते हो उल्टा पलटी करने के बाद ये सेक गए हैं। तो ये हमारे पोहा पकौड़ा तैयार हो गए हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे, पूरा ऑयल इसमें से निचोड़ने के बाद इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं जी हमारे पोहा पकौड़ा। तो इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। तो रही हमारा प्रीमिस पोहा पकौड़ा तैयार हो गया है। तो इसके बाद वहाँ पे मैंने केचप और चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप बताइए जी हमारे पोहा पकौड़ा कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ये पोहा पकौड़ा की कोई रेसिपी है, जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हमें तुरंत ही नाश्ता बनाना है, तो ये पोहा पकौड़ा बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको स्पून की हेल्प से बता सकती हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो इसको मैं डिवाइडेशन में करूँगी। तो वाओ, तो अंदर से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आया है। तो जी हमारे पोहा पकौड़ा तैयार हुआ है। आपको जी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।